रुद्रप्रयाग जिले की सबसे बड़ी क्षेत्र पंचायत अगस्त्य मुनि की बैठक ब्लॉक प्रमुख विजया देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से सदन को अवगत कराया। इस दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी सहित जनपद स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी कर्मचारी पेपर वर्क तक ही सीमित न रहे, जमीनी हकीकत को जानने के लिए ग्राम स्तर तक पहुंचे, जिससे कि कार्यों को सही गुणवत्ता से पूरा कराया जा सके और जनप्रतिनिधि भी ईमानदारी से विकास कार्यों को धरातल पर दिखाएं। इसके साथ ही मंदाकिनी क्षेत्र पंचायत की बैठक में सड़क मरम्मत कार्यों, डामरीकरण, पुष्ता निर्माण और मुआवजा भुगतान न होने की समस्या को भी बताया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर्स को इंश्योर कराना जरूरी है और प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो खुद उत्साह से ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट करें और उनका जो कार्य है वो केवल फाइलों तक सीमित न रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि फाइलों में कम समय व्यतीत करें, लोग पेपर वर्क में कम टाइम लगाएं। जिलाधिकारी महोदय, विधायक भरत सिंह चौधरी, तमाम जिले के सभी अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में सभी प्रधान गणों द्वारा अनुमिन बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रथम बिंदु था मनरेगा के कार्यों की, जो मटेरियल का पैसा अभी नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का मटेरियल का पैसा आ गया है।